नमस्कार, मैं आपके साथ विनीता सचदेवा और आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। जहां एक तरफ बिहार में शराबबंदी है तो वहीं हरियाणा में चुनावी वर्ष में शराब पर राजनीति चल रही है। जी हां, सही सुना आपने। हरियाणा सरकार राज्य में शराब की बिक्री से अगले वित्तीय वर्ष में करीब 7,500 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने की तैयारी में है। बता दें कि 31 मार्च को खत्म हो रहे मौजूदा वित्तीय वर्ष में शराब की बिक्री से हरियाणा सरकार के खजाने में 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व आने की उम्मीद है। जी हां, वित्तीय वर्ष में शराब की होने वाली बिक्री से करीब 6,300 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार के खजाने में आने की संभावना है। दरअसल इस बार के राजस्व की संख्या पिछले साल आए राजस्व से 23% ज्यादा है और इसी से उत्साहित होकर सरकार ने 19% की बढ़ोतरी के साथ इस बार 7,500 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री से जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आपको बता दें कि मंगलवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साल 2019-20 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान की और बैठक में देशी और अंग्रेजी शराब की बिक्री का कोटा बढ़ाने के साथ ही इसे महंगा भी कर दिया। सीएसजी कैंटीन के जरिए फौजियों के लिए बेची जाने वाली शराब को सरकार ने सस्ता कर दिया था। साथ ही चुनावी साल होने के कारण सरकार को उम्मीद है कि इस बार शराब की खपत में बढ़ोतरी हो सकती है, तो लिहाजा देसी शराब के कोटे को 10 करोड़ प्रूफ लीटर से बढ़ाकर 10.5 करोड़ प्रूफ लीटर और भारत में निर्मित अंग्रेजी शराब के कोटे को 6 करोड़ प्रूफ लीटर से बढ़ाकर 6.5 करोड़ प्रूफ लीटर कर दिया है। आइए अब नजर डालते हैं शराब नीति की बैठक में लिए हुए कुछ अहम फैसलों पर। शराब ठेकों के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए लिहाजा कम से कम 20% शराब कांच की बोतलों में बिकेगी। कम रेट पर बेहतर देसी शराब के लिए मेट्रो शराब लॉन्च करने की अनुमति। तेज की बजाय हल्की शराब की बिक्री के लिए हाई लीकर को अनिवार्य लाइसेंस मांगे बिना लाइसेंस का विकल्प चुनने की अनुमति रहेगी। राज्य के तमाम माल गुरुग्राम, फरीदाबाद एवं पंचकुला में लाइसेंस प्राप्त शॉपिंग क्षेत्र में आउटलेट खोले जा सकेंगे। आयातित विदेशी शराब में बड़े प्लेयर को शामिल होने का मौका मिलेगा। तस्करी रोकने को आबकारी विभाग में तैनात होंगे 350 पुलिसकर्मी। अवैध शराब की बिक्री और तस्करी रोकने को आबकारी एवं कराधान विभाग में 350 पुलिस कर्मियों को डेप्यूटेशन पर नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने सरपंचों की ओर से लिए गए फैसलों को भी ध्यान में रखा और 57 पंचायतों में शराब पर रोक लगा दी है। इसके अलावा पवित्र शहरों में जैसे थानेसर और पेहुवा में शराब नहीं बेची जाएगी। आपको यह भी बता दें कि सरकार ने नारी सम्मान को बढ़ावा देने के लिए जिन गांव में कन्या गुरुकुल है वहां भी बेचने की अनुमति नहीं दी है। साथ ही विपक्ष को सरकार ने एक नया मुद्दा भी दे दिया, क्योंकि अब हरियाणा सरकार ने शराब की स्टॉक रखने की अनुमति प्रदान कर दी है। ऐसे ही ताजेतरीन खबरों के लिए देखते रहिए सीएमएन न्यूज।